आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप तमाम के सामने एक बड़ी खुशखबरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बाजार घाट पे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ख़ास तौर से एक फायर स्टेशन यहाँ पे तामीर किया जा रहा था। अभी ये काम जेरे तामीर है, अभी थोड़े इलेक्ट्रिकल के काम बाकी है। मगर कल का हादसा मद्देनज़र रखते हुए जो नीलोफर हॉस्पिटल में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर फौरी तौर पर यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर तैनात रहेगी, जो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है और एक बहुत बड़ी सहूलत हमें यहाँ पे मिल गई है। क्योंकि हमने पिछले दिनों में कई बार फायर इंसिडेंट्स नामपल्ली हलके में देखे और हमने हमेशा ये देखा कि ट्रैफिक की वजह से फायर ब्रिगेड को आने में कई बड़ी ताखीर होती थी और उसमें कई तरीके से माली नुकसान होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, जो कि मैंने इलेक्शन में भी आपसे ये कहा था कि एक ज़ेर तामीर यहाँ पे एक फायर स्टेशन है, अभी वो तामीर अभी जारी है इंशाल्लाह, मगर उससे पहले ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहाँ पर आ गई है, जो इंशाल्लाह नामपल्ली के अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है और बड़ी सेफ्टी की बात है। मैं आपके ज़रिए तमाम नामपल्ली के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ इस बड़ी का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए और सहूलत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।